अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हारिस फूड ट्रैवल में एक बार फिर खुश आमदीद। आज के इस व्लॉग में आप देखेंगे पाकिस्तान जाने से पहले की प्रिपरेशन। मैं पाकिस्तान जा रहा हूं ऑलमोस्ट 4 साल के बाद। वहां जाने से पहले की क्या क्या तैयारियां थीं, क्या क्या किया, कैसे टाइम स्पेंड किया, कैसे शॉपिंग की, और लंदन हीथरो एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट, वहाँ की कुछ झलकियाँ, वहाँ के मनाजिर, वहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम जाते हैं नाश्ता करने। ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था हमारी फेवरेट प्लेस पे, चाय मास्टर पे। सबा का बहुत फेवरेट प्लेस है, मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है। ये है इनकी बिग ब्रेकफास्ट थाली, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा चना लें या फिर माश की दाल, चने की दाल सॉरी, और साथ एग मिलता है, साथ बहुत शानदार सी चाय और ये 2 पराठे। तो ये अच्छे ऑप्शन थे, हमें बहुत मज़ा आया। और साथ साथ बने रहिए, देखते रहिए इस व्लॉग को। अच्छा, ये तो था सबा का फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब ये है मेरा। ये मैंने चिकन टिक्का रोल मंगाया है। अंदर आप देखें क्या ज़बरदस्त फीलिंग है, क्या ज़बरदस्त रोटी है। हाय 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 हाय, हाँ बहुत मज़े का, और मिठा देख रही है इसको। अच्छा, मैंने ये मंगाई है इनकी डायनामाइट चटनी, ये भी बहुत मज़े की थी। ये रोल के साथ मिला के खाऊँगा, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। A few moments later. भाई नाश्ता करने के बाद आ गए हैं हम ये सुपर ड्रग पे। मम्मा के लिए लेना था फाउंडेशन, तो सबा ने बोला मैं अपनी सासू माँ के लिए कुछ गिफ्ट भिजवा देती हूँ, वरना मैंने कहा कि चलो पाकिस्तान में सब कुछ ही मिलता है, क्या ज़रूरत है। और सबा ने बोला नहीं, ले ही लेते हैं। कौन से वाले अच्छे लगे थे? ये लगे थे अच्छे। ठीक, 3 for 2 मिक्स एंड मैच। 2 लेंगे तो तीसरा फ्री मिलेगा, तो अब 2 ही ले लेते हैं, तीसरा फ्री मिल जाएगा। नहीं, पर कलर तुम देखने ना, टेस्टर नहीं लगे हुए तो पता कैसे चलेगा। परफेक्ट आई थिंक। ये कौन सा नंबर लिया? 120। ये 120 नंबर है भाई। आपकी मामा की स्किन पे, तानिया की स्किन पे ये परफेक्ट होगा। उसकी भी, फातिमा की भी, सबके ये आई थिंक 120 ले लो भैया, सब अपना अपना। तो फिर 120 और चाहिए, एक कम है तो एक थोड़ा सा हल्का सा डार्क कॉम्बिनेशन वाला ले लो 120 के अलावा, जो सूट करता हो स्किन को। चलो 120 तो फिनिश हो गया, 120 मेरे हाथ पे लगा लेते। अच्छा, ये 125 लगा है। उनको कहना फिर स्किन अपनी देख के ना उस तरह से चूज कर ले। क्या बात, ये बहुत चिट्टा चिट्टा नहीं लगेगा तो 120 या ये ना हाफ एन आवर के बाद बेस बीच में स्किन के अंदर से 125 ले लो, बाकी 120 ले। जैसे हम लगाते हैं ना मेकअप तो ऊपर ऊपर दिखता है, तो उसको 20 मिनट छोड़ दो, हाफ एन आवर, तो ऐसे स्किन के अंदर जो अच्छा वाला मेकअप होता है पता ही नहीं चलता कुछ लगाया है। सही है। अब बारी आती है जी ये लेने की, सेलिब्रेशन चॉकलेट। कितने की मिल रही है? 550 की मिल रही है। ये 4 pound क्या प्राइस? अच्छा, एज़रा में 450 की लगी हुई है। हमारा वहाँ पे कौन फॉर होने जाए, फॉर क्या, मैंने यहीं से ले लेते हैं जी। एक सबको देना ना, 1 2 3 चलो। ओके जी, अब अंदर से भी शॉपिंग हो गई है चॉकलेट्स की भी, क्योंकि वहाँ जाओ तो हम भी कोई आता था लंदन से तो चॉकलेट्स लेकर आता था, या ड्राई फ्रूट्स, तो बड़ा मज़ा आता था, अच्छा लगता था। तो अब हम भी चॉकलेट्स लेकर जाते हैं, चॉकलेट भी ले लिए बच्चों के लिए, तो वो चॉकलेट्स खाएँगे, और साथ ही दूसरी चीज़ें मम्मा के लिए भी काम हो गया है। अब मैंने सबको कहा अब हमने चलना है सीधा घर, उससे पहले लिडिल रुकेंगे, वहाँ से पानी लेंगे। इनके लिए हफ्ते का पानी मैं दे के चला जाऊँगा, क्योंकि बाहर से बॉटल लेनी पड़ती है, भारी होने की वजह से लोग ऊपर नहीं लेके जा सकते, तो इनका ये वाला काम तो मैं एक हफ्ते के लिए करके जाऊँगा। ठीक है, हमारे साथ साथ रहिए, अभी तो फ्लाइट भी बाकी है, कल क्या करना है, तैयारियाँ तो आपको नज़र आ रही हैं, अभी तो पैकिंग भी करनी है घर जाके मैंने, तो पैकिंग में देखते हैं कि क्या होता है। चलो भाई, ये काम भी हो गया, पानी की बॉटल्स अब हमने ले ली हैं। आइए आइए, वेलकम बैक, ये पाकिस्तान से आने वाला वेलकम बैक है, सिर्फ लिटिल से वापस आए हो पानी लेकर। ये पाकिस्तान जाने वाला काम हो रहा है आज तो जी। ठीक है, आपके लिए देखना बाहर के, ओके आ भी जाओगे पता भी नहीं चलेगा, 10 days का टाइम है बस, खैर है गुजर जाएंगे जी। अच्छा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जाके मुझे तो अभी से दिल बोल रहा है कि मेरा मिकाइल, इवन स्पेशली मिकाइल तो मेरे बिना कभी रहा ही नहीं है ना, मिकाइल नहीं रहता, मिकाइल का बहुत पिछले 4 सालों में, मगर अब वो क्या है कि मेरा तो ना मतलब जब जैसी शाम होती है ना तो फिर मुझे होने लग पड़ता है हारिस का वेट, दिन गुजार लेती हूँ मैं कामों में बच्चों का, फिर शाम के टाइम पे मुझे होता है कि हारिस हो घर पे,
शाम का टाइम बहुत फिर वो होता है, तो अगर कभी लेट हो जाए या कभी कभार नाइट शिफ्ट एक दो बार करनी पड़ी तो वो मेरी बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। खैर ये तो चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है ना लाइफ में, वहाँ पे भी तो जरूरी है ना, माँ है अब वेट करनी है, उनको भी मिलना है, ठीक भी नहीं है वो। तो मैं तो चाहती थी उनको यहीं पे आप बुलाओ, अब नेक्स्ट टाइम उनको अपने इधर ही बुला लेना है, अपने पास हमारे पास रहे वो आके इधर। अभी खैर आप मिल के आओ उनसे। बाकी वो शाम वाली बात से याद आया, सुबह जब मैं देर हो जाती है और नहीं आ रहा होता तो फोन मिला के गाना सुनाती है मुझे आजा शाम होने आई। नहीं इतना कोई रोमांटिक फोन नहीं होता है, बस ये है कि हाँ बच्चों को भी उस टाइम याद आ रही होती है, घर पे भी होना चाहिए कि आप वापस आ जाओ अब घर पे, तो वो होती है चीजें। खैर जो आप सोच रहे हो वो वाली बात नहीं। मम्मा से मिलने की खुशी भी थी तो साथ ही साथ थोड़ा सा गम था अपने बच्चों से दूर जाने का, इसलिए उनके एक्स्ट्रा लाड उठाए और एक यादगार वीडियो बनाई अपनी बेटी मीरा के साथ। सोना मेरी सोना, सोना कितनी क्यूट है। भाई किधर है, भाई भाई किधर है। चलें जी आ गई आपकी सवारी, आ गई अभी आपकी पैकिंग सेटिंग होगी। आरिस बहुत रिलैक्स है, मुझे टेंशन हो रही है। हाँ, नहीं, आप मैं पैकिंग कर रहा हूं, थोड़े ही घंटे रह गए हैं जी, एक बार पैकिंग कर लो ना फिर उसके बाद आप रिलैक्स हो। कुछ जगह जा रही हैं आप अंदर जाएं। चलो 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 बाय बाय। बुक रोलिंग करती हुई सीढ़ियों पे जाएगी इसलिए मैंने कपड़े गंदे कर दिए। घर आ चुके हैं, ये मेरा सामान पैक हो रहा है अभी, ये सामान है सारा का सारा। साथ ही मेरे पास ये बैग, शायद मैं नहीं लेके जाऊंगा, ये बैग है, इसके अंदर मैंने पावर बैंक भी रख लिया है और आगे कुछ मेडिसिंस रख ली हैं अगर ज़रूरत पड़ जाए, और ये छोटे से दो परफ्यूम्स हैं, लेके तो नहीं जा सकते तो चलो ये टेस्टर अच्छे आए हुए थे, सबा ने कुछ ख़रीदा था तो उसके साथ मिले थे, तो आज ये काम आएंगे दोनों परफ्यूम्स, यहाँ रख लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। बस पैकिंग चल रही है, पैकिंग हो जाए फिर सुबह एयरपोर्ट के लिए मिलते हैं। The next day. सुबह हो गई है, सफ़र की तैयारी का वक्त आ गया है। मिकाइल को मैं आज खुद स्कूल लेकर आया हूँ, मैंने कहा इसको बाय बाय कह देता हूँ जाने से पहले पहले, और मिकाइल ने अपनी स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दी पार्किंग में, वेरी नाइस। अब हम इसको बंद कर देते हैं ताकि कोई भी ना ले सके, ठीक है। मिकाइल बाबा को अल्लाह हाफिज़ कह दो, बाबा को आई लव यू तो कह दो, देख के इधर देख के ना, आई लव यू टू। अब हमारी देखा हमारी खड़ी है गाड़ी में, ओहो हो बच्चा नाराज हो गई है वो, उसे पता चल गया आप जा रहे हो। ए, मेरा गुड्डा बाबा की जान दूसरी तरफ बना, बाबा तो शांत है ना। ओके जी बाय बाय सबा, बाय बाय मिरहा, मिकाइल को तो मैंने बाय बाय कह दिया था, इंशाल्लाह बाबा जल्दी आएंगे। सबा तेरी मुझे साथ ले, सबा बेगम ख्याल रखना, आप भी अपना ख्याल रखना, इंजॉय करें आप भी बच्चों की छुट्टियां, हम भी वहां अपने फैमिली के साथ जाके आपको मिस करेंगे, तुम तो हमारा एक हिस्सा हो जो कि बुलाया नहीं जा सकता जी। और वो लोग सब मिस करेंगे तुम्हें भी और हम भी करेंगे, क्योंकि साथ साथ जुड़ी है ना, जुड़ी टूट के जा रही है। कोई नहीं कभी कभी अकेले भी जाना चाहिए। चलो हम जाते हैं, सामान हो चुका है, ताला तो लिया नहीं, ताला लेता हूँ अंदर, अंदर से ले लेना सारा कुछ मिलता ड्यूटी फ्री से ना। अब आपके पास थोड़ा टाइम है, आराम से जाओ, बोर्डिंग पास तो बना हुआ है, बूट से थोड़ी शॉपिंग कर लेना। चलो ड्रॉप ऑफ है, ज्यादा नहीं हाँ। सकती कैमरा मैं ना ऑनलाइन पे करूंगी, इससे लिखा हुआ नंबर कर सकते हैं मिडनाइट से पहले पहले। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह भाई एयरपोर्ट तो पहुंच गया हूं मैं अब, और बैग रैप करवाना है, बैग रैप जो है ना उस तरफ पड़ेगा। 16 पाउंड दे रहे हैं भाई रैप करने के, सब ताले ही लगवा देती 3 पाउंड का, माशाल्लाह ये और परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। चलो भाई ये टिकट विकेट लग चुका है हमें, ये बैग का टिकट है। देखो भाई कोई परफ्यूम या कोई भी लिक्विड वाली चीज़ आप नहीं लेके जा सकते 100 ml से ज़्यादा, तो उन्होंने ये पूरा का पूरा तैयार करने के लिए वहाँ पे क्यो लगाया हुआ था, क्योस था वहाँ पे, वहाँ पे मैंने इस शॉपर के अंदर डाल दिया और ये सील पैक हो गया। गर्ल्स भी अगर लेकर जाती हैं कुछ मेकअप का सामान तो थोड़ा ही लेकर जा सकते हैं, परफ्यूम भी इवन सारी चीज़ों का एक 100 ml से ऊपर आप नहीं लेकर जा सकते, ये भी एक है। और ज़्यादा अगर आपने कोई चीज़ ऐसी परफ्यूम टाइप की लेके जानी है तो अपने जो बैग पैक होता है, सॉरी जो बैग आपने लगेज होता है उसके अंदर डाल के नीचे की साइड पे लेके चले जाएं। तो ये भी थी एक टिप, समझ आई। चेकिंग भी करवा ली है तमाम चीज़ों की, बोर्डिंग पास तो मेरे हाथ में आ ही गया था, अभी मेरे पास मौजूद है 1 घंटा। अब 1 घंटा मैंने ये एयरपोर्ट देखता हूँ, यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स देखता हूँ, उन्हीं में गुजर जाएगा इंशाल्लाह। खाना तो मेरी बेगम ने मुझे चाय और ब्रेड वगैरह दिया था,
क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी खा नहीं सकता जाने से पहले, और प्लेन में भी मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने मुझे थोड़ा सा खिला दिया, पर अब देखते हैं वेट वोट बढ़ा है कुछ लिक्विड या कुछ लाइट लाइट सा खाना हुआ तो खा लेंगे, वरना तर्की एयरपोर्ट पे रुकना है, स्टे है 4 घंटे का, उस टाइम देखेंगे कुछ। चेक द माइक एंड मेक श्योर इट साउंड राइट बॉयज। ये शूज़ भी अच्छा है, और ये है 117 पाउंड का, 130 पाउंड का था पहले ये। अच्छा ये भी नाइकी का शूज़ देखे, नाइकी एयरमैक्स, नीचे भी नाइक, और इसके प्राइस है 130 हो गया, मतलब 35 और ये कोई 50,000 के करीब हो गया। ये पाकिस्तानी शूज़ ठीक है, पाकिस्तान से ही लेंगे, शायद कुछ सस्ता मिल जाए। अच्छा प्रेटा मैंजर से कुछ देख लेते हैं, कुछ ठंडा ठंडा सा ना, हल्का सा पीने को, लाइट सा। कितना अच्छा बनाया हुआ है, सिटिंग के लिए भी कितना अच्छा एरिया है, जूसेस सब फ्रेश सेम रेट पे। अब देखो जी ये 5 berry ball भी मिल रहा है ब्रेकफास्ट के लिए, आपको ब्रेकफास्ट करना है तो सब हेल्दी चीज़ें अंदर डली हुई हैं, ये भी है और ये मूसली के साथ बना हुआ। इनको फ्लाइट में अच्छा खाना ना मिले वो यहाँ पे स्टे करके अपनी फेवरेट बर्गर्स खा सकता है। और सूरत बहुत प्यारा, ब्यूटीफुल, दैट्स सो ब्यूटीफुल, कितना इंटीरियर अच्छा किया, क्योंकि एयरपोर्ट है फिर लंदन का एयरपोर्ट है तो उसको भी अच्छा तो रखना पड़ता है। कितना अंडर जाना पड़ रहा है हमें, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, उनका भी इसी तरह से होता है। सीट है 31E का है, 22 है। चलो भैया फ्लाइट में बैठ गए हम लोग। सीट पे लगी स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ करते हुए, कुछ फिल्म्स देखते हुए, कुछ खाना खाते हुए और कुछ गेम्स खेलते हुए 4 घंटों बाद तुर्की एयरपोर्ट आ ही गया। 6 hours later अच्छा मुझे एक बांग्लादेशी भाई मिल गया हमारे, वो अकेले पिक्चर्स खींच रहे थे मेरी तरह, और मैं भी कोशिश कर रहा था मगर अच्छी पिक्चर नहीं आ रही थी लोकेशन के साथ, तो मैंने कहा कि मैं आपकी पिक्चर खींचता हूँ, मेरी पिक्चर खींचो। तो इस तरह से हम दोनों ने कुछ 5-7 पिक्चर्स एक दूसरे की खींच ली हैं, और बड़ी अच्छी पिक्चर्स दी इन्होंने, वो मैं लगाऊंगा। प्लेन में जो मुझे खाना मिला वो मैंने खाया नहीं, सिर्फ चखा था, तो सोचा 6 घंटे का स्टे है क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो खाने में मैकडॉनल्ड आया, जो कि 7 pound की डील है, वो यहाँ मुझे 18 pound की कॉस्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। डोंट ट्राई गाइस। हाँ जी अभी बेगम से बात हो गई है, फाइनली मेरी वाईफाई कनेक्ट हो गया 1 घंटे के लिए, जो कि फ्री है, यहाँ पे मैंने कर लिया सबा मेरे कानों में लगा हुआ है यहाँ पे हेडफोन, उससे बात हो रही है। मैंने बोला सबा क्लिप भी बना लेता हूँ फ़ौरन से, क्या क्या आपने मंगवाना है। सबा ने जो जो चीज़ें मंगवानी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है तुर्की की कुछ सौगात, कुछ डिज़र्ट्स यहाँ की मशहूर चीज़ें हैं। मैं और सबा फ़ोन पे बात करते करते डिसाइड कर रहे थे कि मैं वापसी पे आते हुए इधर से कुछ लेता आऊँगा, क्योंकि मेरा वापसी का स्टे भी यहीं पे था। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ों को, एक्सप्लोर करते करते मुझे ये ढेर सारी तरह तरह की टीज़ मिली, ग्रीन एप्पल टी, तुर्किश टी, ऑटोमन कॉफ़ी, तुर्किश कॉफ़ी, एप्पल कॉफ़ी, इसके अलावा जिंजर वाली कॉफ़ी, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। साथ ही ये नज़र पड़ी मेरी कुछ डेकोरेशंस पे, बहुत क्यूट और बहुत प्यारी प्यारी सी ये छोटी छोटी सी कटोरियाँ थी। इसी के साथ और भी बहुत कुछ खूबसूरत सा डेकोरेशन के लिए लगा हुआ था, ये कुछ लाइट्स थी जिनके अंदर आप कैंडल्स रख सकते हैं, और ये कुछ और चीज़ें हैं जो डेकोरेशन में घर के लिए काम आ सकता है। ये जी बच्चों के लिए भी जगह खूबसूरत सी बनी हुई है पास ही, अभी मुझे मिर्हा याद आ गई है, मेरी मिर्हा होती है यहाँ पे, तो साथ साथ ये झूले झूलती, ये मेरी लाडो शोरी है, एक मिनट शोनी शोरी हो आप, देखो बाबा ने आपके लिए कौन सी जगह ढूंढी है, कितनी मज़े की जगह ढूंढी है, ये देखो मेरा पालीशी गुड़िया, मेरा ने तो हाथों में ही नहीं आना था। इतने अच्छे सिटिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं ना यहाँ पे कि अगर तो फैमिली के साथ में आया होता फिर तो 3-4 घंटे बड़े मज़े से गुजर जाते, अकेला हूँ क्योंकि उतना मज़ा तो नहीं आता, मगर फिर भी चलो ठीक है टाइम पास हो रहा है। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े, ये देखें कितने अच्छा बड़ा आउटलेट बना हुआ है, प्रॉपर शोरूम है,
किसी ब्रांड का, LC Waikiki। ओके, सबवे भी ऊपर मौजूद है, पर ख़ास बात यहाँ की ये है कि हर चीज़ हलाल मिलेगी यहाँ पे। हमें लंदन में वरना देखना पड़ता है कौन सी ब्रांच हलाल है, किस जगह से हलाल मिल रहा है, किस जगह से नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस जगह से गुजर रहे हैं ना तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये एयरपोर्ट है, ये ऐसा लग रहा है कोई शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग सेंटर है वेस्टफील्ड टाइप का, क्योंकि हेयर एंड देयर एवरीवेयर आई कैन सी द शॉप्स फॉर शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स की काफ़ी शॉप्स आ गई हैं। यहाँ की जो स्वीट्स हैं मज़े मज़े की, वो ओल्ड बाज़ार लिखा हुआ है जो इस्तांबुल का बहुत मशहूर है, उधर का सामान होगा। सी और डी उस तरफ है, मुझे डी पे जाना है, उस तरफ जाऊँगा। अरे वाह भाई, ये देखो भाई, तुर्की के फ्लैग की टी शर्ट मिल रही है इस्तांबुल। ये यहाँ के ट्रेडिशन के, आप तुर्की घूमने आए तो एज अ सुवेनियर ये लेकर जा सकते हैं आप। इतना ज़बरदस्त सा रूम बनाया हुआ है, देखें यहाँ पे लोग चार्जिंग लगा सकते हैं, वो चार्जिंग पॉट्स हैं, यहाँ पे रिलैक्स होके बैठे हैं, लंबा आपका अगर स्टे है तो। जी तो पाकिस्तान हम पहुंच गए हैं, अब मिलवाते हैं आपको इन बच्चों से, हसनैन, रियान, जन्नत, हसाम और बाकी दो छोटे छोटे से बच्चे भी आपको आगे भी नज़र आते रहेंगे व्लॉग में। आगे पूरा कराची का ट्रिप है, कहां कहां मैं गया, कैसे टाइम स्पेंड किया, क्या क्या चीज़ें खाई, तो इन सब को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा ताकि आने वाले हर नए व्लॉग आपको दिखते रहें बर वक्त। तो साथ साथ रहिए, आगे बहुत मज़ा आएगा। सी यू इन दी नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।